खबर बूंदी से है, जहां माटुंदा चौराहे पर खड़ी वैन में अचानक से आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अगर माने तो वैन का ड्राइवर होटल में चाय पी रहा था और तभी वैन में एलपीजी सिलेंडर के होने के चलते अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी वैन जलकर खाक हो गई। इस दौरान एलपीजी सिलेंडर के फटने से वैन के परखच्चे उड़ गए। इस मामले की सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत कर आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया, लेकिन आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।